केंद्र की मोदी सरकार विभिन्न सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। इस योजना में सामुदायिक लोक सेवा केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है। ये जानकारी अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष ने टाउन हॉल हमीरपुर में लोक मित्र केंद्र व स्पेशल पर्पल्स व्हीकल संघ का एक दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं को लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य हिमाचल के गरीब और पिछड़े समुदाय के बीच ई गवर्नेंस सेवाओं और डिजिटल सशक्तिकरण योजना देने वाली विभिन्न सेवाएं केंद्र एवं ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों के द्वारा उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करना है। इस कार्यशाला में सिविल सोसाइटी के लगभग 550 ग्रामीण उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों और खिलाड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी सेवा केंद्र कार्यकर्ताओं का हिमाचल में सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके तथा सभी लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा सके। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों बलवीर चंद, पूनम कुमारी, सुरेंद्र कुमार, सोमा देवी, रेणुका, इकबाल सिंह, मोहम्मद साहिल को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्तरीय उद्यमी विशाल कुमार, प्रदीप कुमार, खालिद मोहम्मद, मोहम्मद हासिम, कुलवीर सिंह, पुष्पा देवी चौहान, अंजना देवी को उनके इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, एसडीएम शिल्पा वेक्टा, जिला परिषद सदस्य बिहारी लाल तथा हरीश शर्मा भी उपस्थित रहे। कॉमन सर्विसेज सेंटर देश में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो सरकार से उपभोक्ता तक बहुत सारी योजनाओं के लाभ आम जनमानस को पहुंचाते हैं। पेपॉल कंपनी ने आज डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ज़्यादा जागरूकता करने के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में दो गाड़ियां अपनी ओर से दी हैं, जिसको पेपॉल के श्री परमेश्वरन जी और दिनेश त्यागी जी जो सीईओ हैं हमारे सीएससी के, वो आज यहां पर आए हैं और जनता को समर्पित की है। इससे किस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर बाकी डिजिटल लर्निंग का काम शुरू करवाया जाएगा, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आम आदमी को अपने घर से बस पकड़कर सेंटर तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये गाड़ी उनके गांव पंचायत तक आएगी और जो हमारे वीएलईज हैं वो इसको चलाएंगे और आम जनमानस को इसका लाभ पहुंचाएंगे।